Hello friends, please subscribe my channel for new videos and press the bell icon for notifications. आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो हलवा. उसके लिए हमें चाहिए स्वीट पोटैटो 500 ग्राम, घी 2 से 3 चम्मच, चीनी आधा कप या 100 ग्राम, दूध 1 कप या 250 मिलीलीटर, इलायची पाउडर आधा चम्मच, काजू और बादाम 5 से 6 कटे हुए. सबसे पहले कुकर में हम स्वीट पोटैटो को डालेंगे और 1 कप पानी डाल देंगे. अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी के लिए पकने देंगे. बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है. सीटी हो जाए तो गैस बंद कर देंगे. अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे. थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका छिलका छील लेंगे. देखिए इस तरह, ये देखिए, ये सारे स्वीट पोटैटो को छील लिया है मैंने. अब मैं इसे ग्रेट करूँगी. आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए. ये सारे ग्रेट कर लिए हैं मैंने. अब एक पैन मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे, उसमें घी डाल देंगे और इसे थोड़ा गरम होने देंगे. अब इसमें कटे हुए काजू डालकर उसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक सेक लेंगे. काजू हमारा भुन गया है. अब इसमें हम स्वीट पोटैटो डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम लगातार चला कर भून लेंगे. देखिए यह धीरे धीरे भुन गया है. अब इसमें हम दूध डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे. दूध अच्छे से मिल गया है. अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे. अब इसे हम लगातार चलाकर पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी ना छोड़ दे. इस तरह चला चला कर पकाएंगे. इसे करने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं. अब ये देखिए धीरे धीरे हो गया है. अब इसमें हम इलायची पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे अच्छे से. अब इसमें हम कटा हुआ बादाम आधा डाल देंगे और फिर इसे मिलाकर गैस को हम बंद कर देंगे. अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और बचे हुए आलमंड से थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी. हमारा हलवा रेडी है. आप इसे गर्मा गर्म परोसे या आप ठंडा भी खा सकते हैं इसे. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.